जी आज ही रिलीज हुआ है और आई एम वेरी हैप्पी कि फाइनली इट्स आउट. और मेरा जो गाना है वो बहुत ही सेक्सी है, सिज़लिंग है. और जो कॉन्सेप्ट है कि तीन लड़के एक लड़की को कैसे फैंटेसाइज करते हैं उसके बारे में है. और बहुत ही मेहनत करनी पड़ी क्योंकि तीन लड़कों के साथ था और मैं अकेली लड़की हूँ. और जो कॉन्सेप्ट है वो भी काफ़ी आई थिंक फर्स्ट टाइम किया है बॉलीवुड में. और जो कोरियोग्राफी की है वो सीज़र ने की है, जो बॉस्को सीज़र है, तो सीज़र ने पूरी कोरियोग्राफी की है. और बहुत मज़ा आया शूटिंग के वक्त क्योंकि तीनों लड़के बहुत ही फन है. और यू नो, इस गाने में एक्चुअली हमने बहुत सारी चीज़ें यूज़ की है कि एक एक मतलब यू नो, इसमें लेदर है, क्रीम्स है, चेरीज़ है, आइसक्रीम है और शूज़ है और एक रेन सीक्वेंस भी है. सो काफ़ी कॉन्सेप्ट इंटरेस्टिंग है. ये गाने का ये थीम है, जैसे आपको पिक्चर पता है फ्रेंचाइजी, ये सेक्स कॉमेडी है. सो मैंने पहले भी कहा कि ये थीम इस गाने का ये है कि तीन लड़के एक लड़की को कैसे फैंटेसाइज करते हैं. सो डिफरेंट डिफरेंट कॉस्ट्यूम में, जैसे एक मुझे साड़ी में फैंटेसाइज कर रहा है, एक मुझे लेदर आउटफिट में फैंटेसाइज कर रहा है, एक बहुत ही एक प्रिंसेस में, प्रिंसेस लुक में मुझे देख रहा है. सो और मैंने कहा प्रॉप्स भी काफ़ी यूज़ किए हैं. जैसे एक सीन है जिसमें मैं रोडियो पे हूँ, जो बुल है रोडियो, वो जो घूमता है, वो एक सेक्शन, हमने किया है जहाँ पे यू नो तीनों लड़के विवेक, रितेश और आफ्ताब मेरे ऊपर शैम्पेन स्प्लैश कर रहे हैं. सो और फिर चेरीज यूज हमने की है, फिर लेदर विप्स, शूज, बहुत सारी चीज़ें. सो सोनाली, इन तीनों के साथ काम करके कैसा लगा और कैसा रहा पूरा केमिस्ट्री की बात करें तो तीनों का, कितनी मस्ती पर्दे के? जी मैंने ये गाना आई थिंक जब मैं तीनों लड़कों से मिली, उसमें से विवेक ओब्रॉय जो है वो मेरे मेरी जो बहन है उज्ज्वला राउत, उसके बहुत अच्छे दोस्त हैं, तो वो कंफर्ट था. और रितेश ने मुझे बिग बॉस पे देखा था, तो ही इज़ अ वेरी बिग बिग बॉस फॉलोअर, तो वैसे मुझे रितेश जानता था. और आफ्ताब के साथ अभी बहुत अच्छी फ्रेंडशिप हुई है. सो तीनों लड़के बहुत ही फन है और बहुत मज़ा आया क्योंकि वो कंफर्ट लेवल था. और गाना भी थोड़ा सा हॉट सिज़लिंग है, तो काफ़ी सिज़लिंग केमिस्ट्री दिखेगी तीनों लड़कों के साथ. सीज़र की बात करें, सीज़र दोस्तों जी, कैसा रहा? एक्चुअली गाना बहुत ही डिफिकल्ट था, जैसे मैंने कहा कि वो डिफरेंट डिफरेंट लुक्स में मुझे फैंटिसाइज कर रहे हैं. तो यू नो, एक रेडियो थीम था, एक यू नो लेदर में थीम है, एक बारिश का सीक्वेंस है, एक मैं साड़ी में मेरा सीक्वेंस है. तो ऐसे चार सेट्स बनाए थे और गाना बहुत ही ग्रैंड होने करना था. तो सीज़र के साथ यू नो चार पांच दिन की रिहर्सल्स हुई. और जब शूट का डे था, आई थिंक एक्चुअली थोड़ी मुश्किल थी क्योंकि मुझे आई थिंक चार दिन में एक भी ब्रेक नहीं मिला था, क्योंकि मेरा जब सीक्वेंस होता था फिर मेरा शॉट विवेक के साथ था, फिर विवेक के साथ जैसे ख़त्म होता था आफ्ताब के साथ, फिर आफ्ताब के साथ जैसे ख़त्म होता था रितेश के साथ, फिर वापस मेरे सोलो शॉट्स, फिर वापस मेरे एक्सप्रेशन शॉट्स. तो बहुत बहुत हेक्टिक था एक्चुअली, बट मज़ा आया एंड में. बारिश की जैसे आपने बताया कि वो कैसा कैसा पहली बार हुआ रहेगा मेरे ख्याल से, आई थिंक, क्योंकि आपके ऊपर इस तरीके का गाना पिक्चर आई जी, कैसा एक्सपीरियंस रहा उस तरीके बारिश में? अब बारिश साड़ी का अलग कॉन्सेप्ट है जिसमें मैं जंगल में आई थिंक हूँ, जंगल का पीछे बैकग्राउंड बनाया है और मैं साड़ी में हूँ. तो आई थिंक साड़ी में इंडियन लड़की बहुत खूबसूरत लगती है, आई थिंक इट्स वेरी सेक्सी टू वेयर साड़ी. तो यस, आई थिंक रितेश मुझे आई थिंक साड़ी में देख रहा है. सो या तो आई थिंक मैं काफ़ी सेक्सी लगी हूँ साड़ी में, आई थिंक आई होप आई हैव डन जस्टिस. और जो रेन सीक्वेंस है, तीनों लड़के मुझे बारिश में भीगते हुए देख रहे हैं और मेरे साथ सालसा कर रहे हैं और मुझे लिफ्ट कर रहे हैं. सो या बारिश में भी काफ़ी मज़ा आया, दिख रहा है स्क्रीन पे एक मज़ा आया लेकिन असल में मुझे बहुत ठंड लग रही थी. बिग बॉस का एक्चुअली 2014-15 में ख़त्म हुआ, उसके बाद तो इट्स नो लुकिंग बैक. इसके बाद मेरी ये पिक्चर अभी आ रही है बिग बॉस के बाद. सो आई एम वेरी हैप्पी कि मैंने वो शो किया क्योंकि मैं काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हुई, लोगों ने मुझे जाना पहचाना. मैं ऑन स्क्रीन कैसी हूँ, ऑफ स्क्रीन कैसी हूँ, मुझे क्लास और मास दोनों अपील मिला. सो आई थिंक अभी लोग मुझे जानते हैं, पहचानते हैं, एंड आई एम वेरी हैप्पी टू बी पार्ट ऑफ शो लाइक बिग बॉस. और मुझे सलमान का भी काफ़ी सपोर्ट था. सोनाली, आखिरी सवाल चलते जी,
आने वाले प्रोजेक्ट की बात करें तो जी, इसके अलावा आवन नवंबर रिलीज है, वो है पैरानॉर्मल प्रोजेक्ट, वो अनिल शर्मा और संजय शर्मा जी की फिल्म है. मैंने एक और कपिल शर्मा के साथ, उनके भाई के साथ मैंने एक वेब सीरीज भी अभी खत्म किया है, लव लाइफ एंड स्क्रू अप्स, वो अगस्त, आई थिंक फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त में रिलीज है. और दो और प्रोजेक्ट्स की बात हो रही है, वो जैसे ही फाइनलाइज होता है मैं आपको बता दूंगी. थैंक यू सो मच. थैंक यू.